हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू फाइन। अब आते हैं बिना वक्त ज़ाया किए, बिना वक्त ज़ाया किए अब आते हैं कंजुकेटिव पावर्स ऑफ आयोटा। यार ये पावर, जब कंजुकेटिव पावर्स ऑफ आयोटा की कंजुकेटिव पावर्स आ जाती हैं उसमें प्लस हो तो उसको कैसे सॉल्व करें, उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। पहले ट्रिक बताऊँगा, उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा। जो बच्चे सिर्फ ट्रिक समझना चाहते हैं वो ट्रिक समझ कर वीडियो ऑफ कर सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट भी समझना चाहते हैं कि ये आया कहाँ से, कैसे है, वेरीफाई करना है, तो वो भी मैं आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो लेट्स कम टू अंडरस्टैंड दी नेक्स्ट ट्रिक जस्ट इन 1 सेकेंड। ओके, आयोटा पावर 41, 42, 43, 44, ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, और 1, 2, 3, 4, और ये भी जीरो होगा। देखो ये कंजुकेटिव पावर्स, इनको बोलते हैं 41, 42, 43, 44, 101, 102, 103, 104, 10001, 10001, 10002, 10003। ओके, अगर मैं बोल दूँ आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 5, तो ये भी जीरो के इक्वल होगा। कंजुकेटिव, जहाँ पर भी कंजुकेटिव पावर्स ऑफ आयोटा हो आ जाए तो उनका अंश जीरो ही हमेशा जीरो रहेगा जब कंजुकेटिव पावर्स आ जाए। तो लेट्स कम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड द ट्रिक? फटाक से अंडरस्टैंड करेंगे इस ट्रिक को और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ट्रिक तो आपको मैंने बता दिया, कंजुकेटिव पावर आ जाए तो उसका आंसर जीरो होगा, पर कैसे होगा वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो लेट्स कम मूव है। ओके, तो आयोटा पावर 41 उसको हमने कैसे सोल्व किया, मैंने ये जो ट्रिक्स हैं मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। तो आयोटा पावर 41 उसको हमने कैसे सोल्व किया, उसको हमने पहले लिखा आयोटा पावर 40 इंटू आयोटा, सेपरेट कर दिया। ओके, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ये सेम ही आ जाएगा। ओके, फिर इस 40 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 20 आ गया, आयोटा स्क्वायर होल पावर 20। इसको अगर फिर से सेम रिपीट जाएंगे तो ये सेम ही बन जाएगा आयोटा पावर 40। आयोटा ये सेम सेपरेट किया, ये आयोटा हमने वो सेपरेट वाला इधर लिख दिया। ओके, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 होल पावर 20। अब ये इवन पावर आ गई है, ऊपर इवन पावर आएगी आएगी तो जो भी नेगेटिव साइन होगी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, तो पॉजिटिव का 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा हो जाएगा। ये आयोटा कहाँ से आया, ये जो हमने सेपरेशन की थी वो आयोटा इसके साथ आ रहा है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, फिर ये लास्ट में क्या बचा, आयोटा। तो आयोटा पावर 41 का जो अंश आया वो क्या आया, प्लस का आयोटा। ओके, तो उसके बाद आयोटा पावर 42, 42 में सिंपली हमने एक इवन पावर है, ओके ये एक इवन पावर है तो उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, 21 आ गया। तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 21, ये एक ऑड पावर आ गई। तो ऑड पावर जब भी आए तो उसकी जो नीचे नेगेटिव साइन होगी वो चेंज नहीं होगी, तो इसका हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, -1। ओके, उसके बाद जो आयोटा पावर 43, आयोटा पावर 43 को हमने सेपरेशन करके सेपरेट करके आयोटा पावर 42 इंटू आयोटा लिख दिया। तो आयोटा पावर 42, आयोटा पावर 42 का हमने आंसर क्या निकाला था, -1, तो ये -1 लिखा इंटू आयोटा लिखा, तो -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। ओके, उसके बाद आयोटा पावर 42 उसको कैसे हमने सोल्व किया, 42 को सिंपली 2 से डिवाइड कर दिया तो आयोटा स्क्वायर होल पावर 22, 2 को अगर फिर से 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा पावर इसको 44 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो आयोटा स्क्वायर होल पावर 22, तो स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और होल पावर 22, 22 है, इवन है एक, तो नेगेटिव साइन किस चीज़ में चेंज हो जाएगी, +1 में हो जाएगी। ओके, ये हमारे पास अंश अब जीरो के इक्वल कैसे आएगा, +1। अब यहाँ पर देखो एक -1 +1 कैंसिल, माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा कैंसिल, ये हो गया जीरो। बाकी जो दो क्वेश्चन थे वो आपको सोल्व करने हैं, अगर डन हो जाए तो कमेंट में यस कर देना, डन कर देना, हैशटैग के साथ MW लिख देना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करना, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ओके डियर, ये थी कंजुकेटिव पावर्स, ये थी ट्रिक, आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी दिया, क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था मैंने बोला मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा, ट्रिक भी दूंगा। ओके, ये आपको कॉन्सेप्ट भी दे दिया, ट्रिक भी दे दिया। अब हम आएंगे नेगेटिव पावर्स आयोटा, उसको फटाक से सॉल्व करेंगे, उसकी भी एक ट्रिक से सिंपली, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। लेक्चर को रिवाइंड करके फिर से देखिए, आपको समझ आएगा, आ जाएगा। पहले अगर पहली बार आपको नहीं समझ आ रहा तो डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। लव इंडिया, लव पाकिस्तान, लव एशिया, लव यूरोप, लव होल वर्ल्ड, लव यूनिवर्स, लव एवरीवन।
किसी से नफरत नहीं करें, लव एवरी वन. ओके डियर.